नमस्कार 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 सर जी। नमस्ते सर, नमस्कार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक बहुत अच्छे गुड नोट के साथ। ठीक है जी, अच्छी चीजों के साथ क्लासेस की शुरुआत करनी चाहिए। इस क्लास में हमें कुछ चेहरे नजर आएंगे आज जो शायद हमारे ही हों, और जो चेहरे मिस हो गए हैं उनके लिए भी बात की जाएगी। पर वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा था। सर फोन वाला कर लीजिए अपने। अब भी नहीं दिख रहे सर।
अच्छा लगा होगा आपको जो चेहरे रह गए हैं, जिन्होंने फोटो आज भेजी वो चेहरे रह गए हैं। अब मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट एडिटिंग इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीक करेंगे, एक्सटेंड कर देते हैं एक हफ्ते के लिए। आप लोगों को एक चांस और दे देते हैं कि जिनके चेहरे रह गए हैं वो लोग भी ऐड हो जाइए। हम 500 लोग क्लास के अंदर हैं, तो कम से कम 500 पिक्चर्स तो होनी चाहिए। और बाकी अगर कोई गलती से रह गए हैं तो वो पर्सनल में दोबारा फोटो भेज दीजिएगा, उनको हम ऐड करवा देंगे। ओके, तो आज की क्लास का टॉपिक है क्राउन चक्र, ठीक है। इसे हिसार चक्र बोलते हैं, इसको क्राउन चक्र, सातवां चक्र है। और शायद जो वीडियो आपने देखी है नेचर की तरफ से क्राउन ही आप सबके लिए, मतलब क्राउन का मतलब क्या होता है, मुकुट। और मुकुट का मतलब क्या होता है, मुकुट किसके पास होता है, जो जिम्मेदारी संभाल सकता है, जो सहनशील होता है, कर्मठशील होता है, जिसके अंदर राजा बनने की सारी क्वालिटीज होती हैं, उसी के पास मुकुट होता है। तो आप नेचर के साथ इस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, तो नेचर ने आपको एक मुकुट तो एक क्राउन तो दे ही दिया। ओके, तो क्राउन चक्र को शुरू करने से पहले मैं सभी आदरणीय सदस्यों से दो मेजर अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जो आप लोग समझिएगा। अनाउंसमेंट नंबर एक, क्या आप चाहते हैं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे? जितने भी लोग भटक रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही कंटेंट मार्केट के अंदर होना चाहिए और ऐसे लोगों तक पहुंचे जो जरूरतमंद है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं, ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, जहां तक मतलब जो सालों साल से मतलब इन क्लासेस का इंतजार कर रहे हैं और कोई उन तक इस क्लासेस को पहुंचा नहीं पा रहा है। और अगर आप सच में चाहते हैं ऐसा हो, तो मैं आप लोगों को ये बात भरोसा देता हूं कि आने वाले 1000 दिन, 1011 दिन लगातार प्री क्लासेस चलेंगी और सारे आध्यात्मिक कोर्स ऐसे ही डिटेलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे विदाउट एनी कंप्रोमाइज। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि आप सब लोग हमारा साथ दें, साथ दें। और साथ देने में जो भी व्यक्ति यंग हैं, टेक्निकल हैं, एज ए वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि हमें इस मिशन में जुड़ना चाहिए और विदाउट एनी ट्रांजेक्शन जुड़ना है, मतलब ना हम आपसे कोई पैसा मांगेंगे ना आप हमसे कोई पैसा मांगेंगे, विदाउट एनी ट्रांजेक्शन हम लोगों तक अध्यात्म को पहुंचाए और लोगों तक हम इन क्लासेस को पहुंचाए, ताकि हर व्यक्ति इन क्लासेस तक पहुंच सके, हर व्यक्ति इन कोर्सेज का बेनिफिट ले सके और इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी दुनिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक अध्यात्म पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे, किसी प्रकार का कोई चार्जेस ना हो। और जो व्यक्ति हमारे एनजीओ के साथ फ्यूचर में अपना करियर भी देखना चाहते हैं, कि हम फ्यूचर में आपके साथ जुड़ के ही काम करना चाहते हैं एज ए ट्रेनर या पार्ट टाइम, जैसे भी आपको ठीक लगता है, वो व्यक्ति भी अपना नाम नंबर यहाँ पे हमें मैसेज करें। आप लोगों के पास कॉल बैक आ जाएगा, आपको पॉलिसी समझा दी जाएगी कैसे साथ जुड़ के हम लोग इस मिशन को बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। 1 मार्च, 1 मार्च ऑनवर्ड्स हम कुछ बड़ा चेंज कर देंगे स्क्रीन के ऊपर, जो आप लोगों को नजर आएगा, और कोर्सेज को और बेहतरीन तरीके से और फास्ट तरीके तक से आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे सारे के सारे कोर्सेज। तो सभी आदरणीय सदस्यों से एक विनती है, जो दिल से आ सकता हो वही व्यक्ति साथ जुड़िएगा, और जो व्यक्ति को लगता है कि मतलब रियल में लगता है कि पैसा नहीं, कंटेंट पहुंचना चाहिए पब्लिक तक, सर्टिफिकेट पहुंचना चाहिए पॉकेट में उनकी, वो व्यक्ति साथ जुड़िए और अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। तो चलिए मूव करते हैं क्राउन चक्रा पे। उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें जरूर से जरूर प्राप्त होगा सभी आदरणीय सदस्यों का। तो क्राउन चक्र के बारे में जब हम किताबों में पढ़ते हैं, मतलब जब भी आप कुछ भी किताबों में क्राउन चक्रा के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। क्राउन चक्र के नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले समझते हैं क्राउन का मतलब क्या है। हिंदू देवी देवताओं के सिर पे मुकुट दिखाया जाता है, राइट? सभी देवी देवताओं के सिर पे एक मुकुट दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्राउन। और क्राउन ही है जो हमें चीजों से जोड़ता है, भौतिक वर्ल्ड से जोड़ता है। क्राउन ही है जो हमें भौतिक वर्ल्ड से तोड़ता है। अब एक बात बोली जाती है कि आरंभ ही शुरुआत है, ठीक है जी, आरंभ ही अंत है और अंत ही आरंभ है, ठीक है।
तो क्राउन हमें भौतिक वर्ल्ड से जोड़ता भी है, क्राउन हमें भौतिक वर्ल्ड से तोड़ता भी है। अब ये चीज समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति ना एक बात कहेगा कि जी क्राउन चक्रा मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो ये जोड़ता कैसे है? मैं कहता हूं कि ये जोड़ता है, जोड़ता है, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये आता है कि हमें तोड़ता कैसे है, ये तोड़ता है, इस बात पे भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाई ही क्राउन की है। सार क्राउन चक्र मतलब सत्ता के सर्वश्रेष्ठ को हासिल करना, ठीक है जी, और क्राउन चक्र मतलब स्वयं के सर्वश्रेष्ठ को हासिल करना। नीचे वाले 5 चक्र एक तरफ, बीच का आज्ञा चक्र एक तरफ, क्राउन चक्र एक तरफ। अब क्राउन का मतलब क्या है? क्राउन का मतलब है काया, ठीक है जी, जो हमारी बॉडी की ऊपरी लेयर है, और क्राउन का मतलब है ताज। अब जब आप क्राउन चक्र को समझोगे तो क्राउन चक्र को अध्यात्म में कहा जाता है कुंडलनी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ चक्र। क्राउन चक्र को बोला जाता है 1,000 पंखुड़ियों का कमल, और ओम बोलने के बाद साइलेंट हो जाना। क्राउन चक्र को कहा जाता है जिसके पास 114 114 चक्रों का कंट्रोल होता है ह्यूमन बॉडी का, प्लेनेट की सारी डायमेंशन का कंट्रोल होता है इस चक्रा के पास, और इस चक्रा के दम पर ही आप आगे अपनी सोल को अपने कंट्रोल से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है जी। ऐसा क्राउन चक्र के बारे में बोला जाता है। एग्जैक्टली मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी पागलखाने हैं, ठीक है जी, दुनिया में जितने भी पागलखाने हैं उनके 50% जो पागल हैं वो क्राउन चक्र से बिलोंग करते हैं। पता है आप लोगों को ये बात? 50% पागल, ये मैं नहीं कह रहा, पागल खानों का डेटा बोलता है, 50% लोग जो पागल हो जाते हैं वो क्राउन चक्र के चक्कर में पागल हो जाते हैं, पागल खानों में जितने लोग हैं, ठीक है जी, और जो अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे बड़े बड़े धंधे और व्यापार होते हैं क्राउन चक्र के ऊपर, कि क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्राउन चक्र ये, क्राउन चक्र वो, और क्राउन चक्र को लेके दुनिया के अंदर एक पागलपन है, पागलपन, ठीक है जी। और पागलपन होना बनता भी है, क्राउन का मतलब है नशा, ठीक है जी, सत्ता का नशा होता है, ताज का नशा होता है, और क्राउन में भी नशा मिलता है। मतलब इसको भी कहा जाता है कि जिस आदमी का क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है वो नशे में ही रहता है, ठीक है जी। अभी तक साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं हो पाए लोग कि किसका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड था। रामकृष्ण परमहंस जी और तोताराम जी नाम के 2 संतों का नाम आता है जिन्होंने क्राउन चक्र के ऊपर बहुत ज्यादा फतेह हासिल की। अदरवाइज साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं होता कि क्राउन चक्र किसका एक्टिवेट है या नहीं है। सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति क्राउन चक्र को खोलने का तरीका क्या है ये समझते हैं। क्राउन चक्र का मतलब है मनुष्य से देव हो जाना, ठीक है जी। कंट्रोल तो आपने यहीं पे ले लिया सारा का सारा, आज्ञा चक्र पे ही। बॉडी और भौतिक वर्ल्ड का कंट्रोल तो आपका पूरा का पूरा आज्ञा चक्र पे आ गया। अब इसके ऊपर क्या? आज्ञा चक्र के ऊपर क्या? आज्ञा चक्र के ऊपर आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का मतलब है मैंने सर्व का कंट्रोल ले लिया। सर्व का मतलब संपूर्ण प्लेनेट पे मैंने अपना कंट्रोल ले लिया, मतलब ये शक्तिशाली चीज है। कुंडलनी शक्ति, कुंडलनी शक्ति के द्वारा सिर्फ क्राउन चक्र को खोला जा सकता है, अदरवाइज कभी भी क्राउन चक्र को खोला नहीं जा सकता, ठीक है जी। ये अध्यात्म कहता है, ऐसा अध्यात्म कहता है। साइंस कहती है कि खोला ही नहीं जा सकता। यहाँ पे आज्ञा चक्र से आगे आते हैं तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती है। साइंस कहती है कि खुल ही नहीं सकता, और अध्यात्म कहता है कि खुल सकता है, और कुंडलिनी शक्ति के द्वारा खुलता है। अध्यात्म की परिभाषा से समझते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे 7ों चक्र कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेटेड होती है, राइट? ऐसा साइंस ने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? आप लोगों को पता होगा बेबी बर्थ इन वाटर होता है, पानी के अंदर बच्चे का जन्म होता है। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी को पानी के अंदर खड़ा कर देते हैं और उसको हिप्नोटाइज करके जब कमांड करते हैं तो वो जो बेबी होता है वो पेन फ्री डिलीवरी होती है, और पेन फ्री डिलीवरी के अंदर वो बच्चा पानी के अंदर सीधा लैंड करता है, उसको कोई टच नहीं करता बच्चे को। और पानी का टेम्परेचर कितना होगा? जितना माँ के गर्भ का अंदर का टेम्परेचर होगा। ये हुई एक चीज। ये चीज को अगर पकड़ते हैं तो 40 सेकेंड के बाद
जैसे ही बच्चा पानी के अंदर लैंड करता है, विद इन 40 सेकेंड वो बच्चा तैरते हुए पानी के ऊपर किस तरह पे आ जाता है। अब ये पॉसिबल है? ये बहुत सिंपल हो गया है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है और लोग ये करते हैं। पहले लोग अमेरिका जाते थे ये करने, और इंडिया में भी बहुत सिंपल हो गया, और हमारे गुड़गांव दिल्ली के अंदर भी ये काम होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो पैदा हुआ उसको तैरना आता है, राइट? लेकिन वो तैरेगा कैसे? कहते हैं कि ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, या बच्चे को हर चीज सिखाई जाती है, सारा सिस्टम तैयार हो जाता है, तैयार करना पड़ता। नहीं, अगर बच्चे को किसी ने टच नहीं किया, टच का मतलब किसी दूसरी एनर्जी ने उसको टच नहीं किया, और वो सिर्फ उसी टेम्परेचर में उसी एलिमेंट के साथ जुड़ के उस बेबी की डिलीवरी हुई है, तो उस बेबी के साथ वो चक्र एक्टिवेटेड माने जाते हैं। अभी तक जो बच्चे पैदा हुए उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी एज का बच्चा अभी कोई मिला नहीं है। अभी मतलब बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, पिछले 10-12 साल से ये ज्यादा ट्रेंड में आया, और पहले ये बड़े लोगों के हाथ में आया, अब ये नॉर्मल लोगों के हाथ में आने लगा है कॉन्सेप्ट। तो ये कहता है कि इन बच्चों को और दूसरे बच्चों में मेजर फर्क क्या होगा। मतलब ये बच्चा जो पानी में पैदा हुआ, ये भी एक बच्चा है, और जो दूसरा बच्चा वो भी पैदा हुआ, उन दोनों में फर्क क्या होगा? सबसे बड़ा फर्क नजर आता है इनके इम्यून सिस्टम में, उससे भी बड़ा फर्क नजर आता है इनके नॉलेज पैटर्न्स के अंदर, और जितने भी अभी जो पीछे आपका कौन सी जगह है, वो कसार देवी टेम्पल के पास 40 बच्चों पे क्वांटम स्पीड रीडिंग कोर्स का एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें से 15 बच्चे ये थे जो बेबी बर्थ इन वाटर में हुए थे, और बाकी बच्चे वो थे जो नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा हुए थे। सब बच्चों के एज ग्रुप जो थे वो 7 साल से 14 साल थे, और 15 दिन के इस कोर्स के बाद जो बच्चे बेबी बर्थ इन वाटर वाले प्रोसेस से पैदा हुए थे, इनकी 1 मिनट की स्पीड थी किताब को फ्लिप करने के बाद 240 वर्ड पर मिनट, और नॉर्मल बच्चों की 160 वर्ड पर मिनट। ये साउंड से किताब को पढ़ लेते हैं, तो ये क्राउन चक्रा का मतलब सिम्टम्स है। अभी विज्ञान ने जब इन बच्चों को वेरीफाई किया क्राउन चक्रा के लिए कि भैया इनका क्राउन चक्रा कितना एक्टिव है, तो विज्ञान डेटा नहीं जुटा पाई। ठीक है, विज्ञान अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डेटा नहीं जुटा पाई, इसका मतलब क्राउन चक्र अपना एक्सिस नहीं देता। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो अपना एक्सिस नहीं देती हैं, ठीक है, तो क्राउन चक्र ने अपना एक्सिस नहीं दिया, लेकिन ये बच्चे साउंड पे ड्राइव होते हैं, ये बात पता लग गई है। इन बच्चों को उठा उठा के पानी में फेंकते रहे, ठीक है जी, मान नॉर्मल बच्चों को उठा के पानी में फेंक दिया, इन बच्चों को भी उठा के पानी में फेंक दिया, तो फर्क क्या नजर आया कि नॉर्मल बच्चों को वाटर फोबिया हो गया, और इन बच्चों को किसी प्रकार का कोई वाटर फोबिया नहीं हुआ। इन बच्चों को गिराया भी गया और नॉर्मल बच्चों को गिराया भी गया, नॉर्मल बच्चों को हाइट के फोबिया हो गए, इनको फोबिया भी नहीं हुआ, तो मतलब ये डर से ऊपर है। ऐसे 1000 टाइप के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जिससे कि सिर्फ इतना ही पता लग पाया कि गर्भ के अंदर बच्चे के सातों चक्र एक्टिव होते हैं, और गर्भ के बाहर अगर काम किया जाए तो ये चीज काम करती है, मतलब ये चीज काम करे, मतलब ये चीज क्लोज हो जाएगी। अब कुंडलिनी के बारे में अध्यात्म में क्या कहा जाता है, सीधी सीधी बात की कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है। जैसे बच्चा बाहर आता है, पहली सांस लेता है, हवा के संपर्क में आता है, वैसे ही वो बच्चा की कुंडलिनी शक्ति, सुप्त चेतनाएं सुप्त हो जाती हैं, सारी चेतनाएं उसकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के अंदर 3.5 घेरे लगा के सांप अपनी ही पूंछ अपने मुंह के अंदर लेके बैठ जाता है, और फिर उसको जगाना होता है अध्यात्म के मार्ग से, 7 चक्रास के मेडिटेशन से, गुरु के माध्यम से, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज है, ठीक है। लेकिन बेबी बर्थ इन वाटर के अंदर वो अपनी पहली सांस भी 40 सेकेंड के बाद लेता है, और जो नाड़ू होता है बच्चे का वो भी 40 सेकेंड के बाद ही काटा जाता है, और माँ भी बच्चे को टच नहीं करती है, तो बच्चा तैरता है। अब इसके ऊपर फॉरेन कंट्रियों ने बहुत महारत हासिल कर ली है, ठीक है जी, इंडिया में भी अब नॉर्मल हो रही है ये चीज धीरे धीरे, लेकिन फॉरेन कंट्रियों ने इसमें महारत हासिल कर ली है। और महारत कहाँ से हासिल की, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ लिखा था, ठीक है जी। तो स्वामी विवेकानंद के कॉन्सेप्ट से
फॉरेन कंट्री वालों ने बेबी बर्थ इन वाटर वाली टेक्निक को डेवलप कर लिया। अब क्राउन चक्र कहता है कि क्राउन चक्र अगर पानी के अंदर ही काम करता है तो क्राउन चक्र की का जो सिंबल है दैट इज व्हाट, कमल का फूल, ठीक है जी। और कमल के फूल का जो बेस होगा दैट इज व्हाट, कमल के फूल के क्या बेस होगा, गंदगी, कीचड़, कीचड़ में उगेगा कमल। तो मूलाधार की जब हम बात करते हैं तो जितने भी लोग मूलाधार में फंसे हुए हैं उनका बेस क्या है, नेगेटिव थॉट्स, बीमारियां, टेंशन, ये वो, मतलब दुनिया भर की चीजें लेके बैठे हैं। और कहा जाता है कि वहां से आपको बेस्ट होके बनना है, वहां से आपको बेस्ट निकलना है। तो आप ये समझिए कि क्राउन चक्र जागृत करने की जो ऑप्शन है ये किसी जीव जंतु के पास नहीं है, दैट इज ओनली फॉर ह्यूमन, ठीक है जी। अब आज्ञा चक्र पे जहां पे आप बात करते हो तो वहां पे एक डॉग, एक कैट, एक एलिफेंट, एक रैट, एक डॉल्फिन, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो आज्ञा चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्राउन चक्र में ह्यूमन के अलावा कोई दूसरा प्राणी नहीं जुड़ा हुआ, न कोई ट्री नहीं, कोई इस प्लेनेट की कोई दूसरी चीज नहीं जुड़ी हुई। तो क्राउन चक्र को बोला जाता है हायर कॉन्शियसनेस, मतलब ये कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस है। तो इसका जो तत्व है वो बड़ा स्ट्रोंग है। सब जगह हम तत्वों के ऊपर बात कर रहे हैं और तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तत्व का दमन करना है क्योंकि इसका जो तत्व है वो है विचार। विचार तत्व से क्राउन चक्र ड्राइव होता है। और विचार को क्या बोला जाता है, विचार का मतलब कॉन्शियसनेस, विचार का मतलब ही कॉन्शियसनेस है, विचार ही शक्ति है। तो मतलब आप विचार तत्व के साथ क्राउन चक्र पे विजय पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है, ठीक है जी। अब क्राउन चक्र का प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, या तो आपकी कुंडली जागरण है, ठीक है जी, और या फिर आप कुंडली का जागरण करवाएंगे अपनी, और दुनिया पागल है कुंडली जागरण करने के लिए, ठीक है जी। पहली बात, शायद मेरी बात आपको कड़वी लगे बहुत ज्यादा और बुरी भी लगे, अपना ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि क्राउन चक्र जागरण कोई दूसरा आदमी आपका कर सकता है, कोई भी दूसरा आदमी, ठीक है जी। मेरा ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। कहा जाता है कि गुरु करता है क्राउन चक्र आपका जागरण, जो करता है वो गुरु करता है। बट माई क्वेश्चन इज, क्राउन चक्र छठे चक्र पे ही आपके पास इच्छा मृत्यु है, छठे चक्र पे ही आप बहुत कुछ कंट्रोल करके बैठे हो, तो सातवें चक्र वाला आप भौतिक शरीर में रह नहीं सकता। हायर कॉन्शियसनेस जो है इसको क्या बोलते हैं, क्राउन को, क्राउन को बोलते हैं, क्राउन चक्र जो है वो भौतिकता का है ही नहीं, भौतिक भौतिकता के साथ है ही नहीं है। तो एक बहुत बड़े गुरु हैं अपने भारत में ही, तमिलनाडु के अंदर, नाम सुना होगा, ईशा फाउंडेशन सदगुरु। सदगुरु ने भी क्राउन चक्र के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन सदगुरु की एक बात मेरे को हमेशा अच्छी लगी है कि सदगुरु ने भी क्राउन चक्र पे यही कहा कि क्राउन चक्र, किसी ने पूछा कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है क्या, सदगुरु ने कहा क्राउन चक्र का अगर एक्टिवेट होता तो मैं धरती पे बैठा ही ना होता, ठीक है जी, मैं धरती के ऊपर ही ना होता। क्राउन चक्र का मतलब है भौतिक वर्ल्ड से ऊपर, शरीर से ऊपर, इंटायर भौतिकता से ऊपर। तब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि कुंडलनी शक्ति, तो मैं एक बहुत बढ़िया गुरु की आपको बात बताता हूँ जिनके आपने नाम सुने होंगे। नीम करोली बाबा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है जी। नीम करोली बाबा जो हैं ये आपको मिलेंगे कसार देवी के रास्ते में, जब कसार देवी टेम्पल जाते हैं वहां के रास्ते में आपको नीम करोली बाबा मिलते हैं। अभी वो समाधि ले चुके हैं। नीम करोली बाबा ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया, ठीक है जी। नीम करोली बाबा कहते हैं, जब सारी दुनिया कहती है कि नीम करोली बाबा ने वो मतलब दमदार चीज है और उनका ग्राउंड चक्र एक्टिवेट था, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बहुत जबरदस्त, बोले कि आज्ञा चक्र तक की जर्नी में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, क्राउन चक्र की बात भी मत करना। तो जो भी अच्छे गुरु होंगे, जो भी अच्छे टीचर्स होंगे, वो आपको क्राउन चक्र का प्रॉमिस कभी नहीं करेंगे कि आपका क्राउन चक्र जागृत हो जाएगा। और इसका जो संबंध है वो काया के साथ है, और काया से क्राउन चक्र जागरण का मतलब है कि
कि कमल अगर ऐसे रखा है, मान लो अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं कि कमल मेरे सिर पे ऐसे उल्टा रखा है, कुंडलिनी शक्ति टकराएगी और कमल ऐसे खिल जाएगा, तो कमल ऐसे खिल जाएगा तो ये तो नश्वर ही हो जाएगा ना नीचे का सब कुछ, तो भौतिकता तो खत्म ही हो जाएगी। अगर आप अध्यात्म की बात अभी करो तो भौतिकता तो उस सेकंड में ही खत्म हो जाएगी जिस सेकंड के अंदर आपने कुंडलिनी शक्ति का एहसास कर लिया, ठीक है जी। और कुंडलिनी की स्पीड जो है, कुंडलिनी एनर्जी की जो स्पीड मानी जाती है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, कुंडलिनी की जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 10 लाख किलोमीटर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो मतलब आगरा के पागलखाने के चेयरमैन डॉक्टर दीपक ने एक रिसर्च करके ये बताया कि जितने भी पागल हुए हैं ना, इनके भैया 40-50% जो पागल है ना, ये सब कुंडलिनी चक्कर के चक्कर में पागल हुए। जो भी क्राउन चक्रा के साथ पंगा लेता है, मतलब पंगा, उस व्यक्ति के पागल होने के बहुत जबरदस्त चांस रहते हैं, ठीक है जी। ऑल दोस्त, तो आज्ञा चक्र पे भी बहुत लोग पागल होते हैं, लेकिन मैं क्राउन चक्र की बात कर रहा हूँ। आज्ञा चक्र कंट्रोलेबल है, क्राउन चक्र कंट्रोलेबल नहीं है। अब जितना खूबसूरत है उतना ही मतलब भयानक रूप भी है क्राउन चक्र का। एक ये चक्र जो है आपको भौतिकता से आउट करता है, और अगर ये चक्र भौतिकता में नहीं है आपके साथ तो ये आपको भौतिकता से जोड़ता है। आप समझ जाओ कहानी क्या है। अब विष्णु के हाथ में कमल है, मूर्ति विज्ञान से समझोगे तो, और वो पालन करता है, और शिव मेडिटेशन करता है, और ब्रह्मा कमल पे ही बैठता है, अगर आप मूर्ति विज्ञान को समझो। और क्राउन चक्रा को कमल की ही डेजिग्नेशन दी है, जो दोनों ही कमल से दूर है, मतलब शिव जो है हिंदू धर्म के अंदर जो शिव की जो डेजिग्नेशन है, जो दोनों से ही दूर है, वो मदमस्त है, वो नशे में है, उसको किसी की फिक्र नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर है, ठीक है जी। अब जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की थ्योरी के साथ क्राउन चक्रा को समझते हो, तो अगर ऐसे है मतलब आपके दिमाग में क्राउन चक्रा है तो आप भौतिकता से जुड़ रहे हो। पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई वो किस चीज के लिए हुई? क्राउन के लिए। जितने भी शोषण हुए वो किसके लिए हुए? क्राउन के लिए हुए। और जो मोक्ष भी चल रहे हैं वो भी तो क्राउन के लिए चल रहे हैं कि मोक्ष मिलेगा हमें। हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं को सोना चांदी गहने पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाए जाते हैं, दैट इज फॉर वॉट? यही दिखाने के लिए कि क्राउन के ऊपर की जर्नी है ये, जब आप ऊपर आते हो तो। ये एक बहुत पावरफुल थ्योरी है कि अगर क्राउन, आई एम ब्रह्म, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं जब मैं बोलता हूं, ठीक है, तो क्राउन के ऊपर बैठे हो तो आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो रहे हो, ऐसा बताया जाता है। और अगर आप सेंटर में हो, आज्ञा चक्र तक बैठे हो, तो कमल हाथ में है, उस थ्योरी को समझो। लेकिन माना यह जाता है कि दोनों में ही क्राउन चक्र को नहीं, क्राउन का जो आधार माना जाता है वो शिव को माना जाता है, ठीक है जी, ना ब्रह्मा को माना जाता ना विष्णु को माना जाता, क्राउन का जो आधार माना जाता है वो शिव को माना जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर है। और शिव की जिस प्रकार से गाथाएं बताई जाती हैं, क्राउन उन्हीं से रिलेट होता है कहीं ना कहीं जाके प्रॉपर तरीके से। तो शिव तो कोई दूसरा हो ही नहीं सका आज तक, कोई हो सका? नहीं हो सका। एक था जिसने शिव को कंधे पे उठाया, उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सका शिव तक, कोई मतलब शिव का एक्सिस कहीं तक जा नहीं सका। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्राउन के एक्सिस की बात मत कीजिए। आप शोषण जितना मर्जी करवा लीजिए बाजार के अंदर कि जी ये कुंडली एक्टिवेट करेगा, वो कुंडली एक्टिवेट करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं होता किसी भी दूसरे आदमी के द्वारा। स्वयं अध्यात्म ये कह रहा है और स्वयं विज्ञान भी यही कहता है। अब बात आती है कि ठीक है एक्टिव नहीं होगा, बट बेनिफिट तो ले सकता हूं मैं, मेरे साथ रिलेट तो करता है मेरी हायर कॉन्शियसनेस के अंदर। यहाँ पे आते हैं हम, यस आप बेनिफिट ले सकते हो क्राउन चक्रा का, एज ए हीलर भी, एज ए कॉमन मैन भी, एज ए मतलब ये काया के साथ जुड़ा हुआ है तो स्किन डिजीज के लिए भी, बाकी सब चीजों के लिए भी आप बेनिफिट ले सकते हो, अध्यात्म से के लिए भी, सब चीजों के लिए। लेकिन मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, पंगा नहीं लेना। मैं इस क्लास में क्लियर एंड कट बोल रहा हूँ, क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने से रिलेटेड हम कोई एक्टिविटी नहीं करवाते हैं,
कल को अगर कोई घटना घटे और कोई पहुंच जाए कहीं मेंटल हॉस्पिटल में, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मैं बिल्कुल मतलब सीरियस नोट पे आप सबको ये बात कहना चाहूंगा। उसके पीछे कारण है कि किसके रिजल्ट्स ऐसे आए हैं। ऐसी थाउजेंड लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं पता लगा कि मरा कैसे आदमी, कुंडलिनी शक्ति से छेड़छाड़ करके वो इस प्रकार से आउट होते हैं। तो इसलिए जो बड़े गुरु होंगे वो हाथ ही नहीं लगाएंगे। और सबका एक ही कहना है, आज्ञा चक्र तक पहुंचो, आज्ञा चक्र को संभालो, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। और बात भी ठीक है, जब मैं पंच तत्वों का और सब चीजों का एक्सेस ले पा रहा हूँ, इवन मैं इच्छा मृत्यु जैसी चीज को आज्ञा चक्र के अंदर मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ, तो फिर आज्ञा चक्र से बड़ा क्या है, उसके ऊपर क्राउन है। अब तो क्राउन चक्र एक्टिवेट कैसे होता है, अब ये समझने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है सृष्टि में किसी का नहीं हुआ, हुए तो है एक्टिवेटेड, तो कैसे होता है? तो क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने का तरीका समझिए। तरीका इसका बड़ा सिंपल है। इसका तरीका है पहले हायर कॉन्शियसनेस से स्वयं को कनेक्ट करना, जो कि आप आज्ञा चक्र पे पहुंच के ही कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। तो आज्ञा चक्र को क्या बोला जाता है? आज्ञा चक्र को बोला जाता है जन्मों जन्म की मतलब तपस्या। जन्मों जन्मों तक आप आज्ञा चक्र के साथ सफर करते हैं, तब जाके आप कहीं आज्ञा चक्र क्राउन चक्र की हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं। सेकंड, उसका नाम पे जाइए, नाम सहसार चक्र, क्राउन चक्र। तो क्राउन को बोला जाता है कि गॉड गिफ्टेड ये आपको मिलेगा, जब कभी भी मिलेगा, मतलब ये जब भी आपको मिलेगा गॉड गिफ्टेड मिलेगा, और आपको इसके लिए अपनी एलिजिबिलिटी को सिद्ध करना पड़ेगा, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है। तो वो एलिजिबिलिटी के नियम क्या है? समर्पण, नंबर वन पे समर्पण, और ना कुछ पाने की इच्छा ना कुछ खोने का डर। तो आप क्राउन हो गए उस वक्त। एक राजा और एक भिखारी मृत्यु की शैया पे सेम होते हैं, राइट? तो जब ना कुछ पाने की इच्छा और ना कुछ खोने का डर, तो मैं एक राजा भी हूं और मैं एक भिखारी भी हूं, और मैं सेम। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इट मींस क्राउन सिर्फ हमें एक ही जर्नी में मिल सकता है, दैट इज एक ही तरीके से मिल सकता है, दैट इज गॉड गिफ्ट। और कोई चारा हमारे पास क्राउन चक्र के लिए नहीं है। अब कहते हैं कि कुंडलनी मेडिटेशन करना चाहिए। अगर क्राउन चक्र हम नहीं ले रहे हैं तो क्या हम कुंडलनी मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए। क्या हम कुंडलनी शक्ति, हमारी कुंडलनी शक्ति पे फर्क पड़ता है मेडिटेशन करने से? बिल्कुल फर्क पड़ता है। कुंडलनी कहाँ तक जाएगी? कुंडलनी मेरी आज्ञा चक्र तक आएगी। आज्ञा चक्र के बाद मैं कुंडलनी को क्राउन चक्र पर उठा सकता हूँ? आप नहीं उठाएंगे, वो अपने आप उठेगी। आपको कंट्रोल करना है सिर्फ। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कुंडलनी शक्ति को? आपको सिर्फ ये जो मंत्र है, सात मंत्र जो होते हैं हमारे चक्रास के, इन सात मंत्रास के ऊपर फोकस करना है। 40 से 45 दिन लगातार आप आज्ञा चक्र तक अपनी कुंडली को बड़े आराम से ले आते हैं, बहुत आराम से ले आते हैं। देखिए जी, मैंने एक दो बैच को 40 40 दिन की ये करवाई साधना, भी 40 मिनट डेली आपको ये करना है, सात बीज मंत्र 40 मिनट डेली करने हैं, और 40 40 दिन मैंने करवा। स्टार्टिंग में मैंने भी किए थे, जब मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया था, मेरे को इतना बात समझ में आती है। सिर्फ ये 40 दिन अध्यात्म में आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक तो अगर आप हीलर बनना चाह रहे हैं, सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ना कोई मकसद तो आपका होगा हीलर बनने के लिए, नेम, फेम, ग्रोथ, नॉलेज, पैसा, कुछ तो चाहिए होगा ना हमें, ठीक है? पहली बात, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है ना, तब हम हीलर नहीं बन सकते। दूसरी बात, आपकी जरूरतें हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एक आप ही साथ में रखो, एक ही साथ में रखो, पहले हीलर, और जरूरतें कैसे पूरी होंगी वो मेरे लिए सेकेंडरी बात होगी, उसको आप साइड में रखो। अब जब मुझे हीलर बनना है ना, तो 40 दिन अगर मैं इन बीज मंत्र को करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहूंगा। और हायर कॉन्शियसनेस का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। और अगर मैं कनेक्टेड हो रहा हूं ना, तो ये जो दूसरी मैंने मुट्ठी साइड में रखी थी, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक आदमी की क्लास में 100 लोग और फीस है 500 रुपये, रेकी लेवल वन की 5,000 लगा लेते हैं, तो उसके पास कितने पैसे आए? कितने पैसे आए? 5 लाख, ठीक है जी। और एक मैं बैठा हूं आपके सामने, 500 लोग हैं और फीस है हमारी 0, मैं 5 लाख रुपए में इतना प्यार खरीद सकता हूँ क्या जितना आप लोग मुझे देते हो?
5 लाख रुपए में मैं इतना आशीर्वाद खरीद सकता हूँ क्या जितने आप मुझे देते हो? और मैं 5 लाख में जिंदगी बसर कर सकता हूँ क्या अपनी? नहीं कर सकता, सिंपल। तो ये जो दूसरे हाथ की बात करी है ना मैंने आपसे, इसकी तो चिंता ही नहीं। अगर आपने 40 दिन अपने आप को हीलर की जर्नी के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि मैं हीलर हूं और मुझे हीलर ही बनना है पहले, बाकी सारी चीजें बाद में, तो आपकी बुद्धिमत्ता ऐसी होगी कि आपको सोचना ही नहीं, मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी ना, जो आपने सोच के रखी हुई थी, वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे ऑफिस भी आते हैं और मेरे से मिल भी चुके हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, भैया मैं शक्ल से गरीब नजर आता हूँ क्या, बेचारा नजर आता हूँ, या मेरा कोई टूटा फूटा ऑफिस है, या मेरे पास किसी चीज की कमी है, मैं गाड़ी में नहीं घूमता, मैं प्लेन में नहीं घूमता, मेरे पास क्या कमी है? बस एक ही कमी है, क्या? जेब खाली और काम कोई नहीं रुकता। पर्स कोई गिफ्ट भी करता है तो मेरे पास तकरीबन 100 से ज्यादा पर्स पड़े हैं ऑफिस के अंदर। लोग आते हैं, मैं उन्हीं को दे देता हूँ। लोग मेरे को पर्स गिफ्ट करके जाते हैं, मैं पैक करके वापस रख देता हूँ अंदर, इसकी जरूरत नहीं है। ये पैक करता है मामला, पर्स नहीं चाहिए, अपने आप सारे काम हो रहे हैं। पर्स में एक लिमिटेड अमाउंट आएगी ना, तो पूरा यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, तो मैं पर्स में अपने आप को छोटा क्यों कर लूं? पर्स पॉकेट में रख के तो मैं पर्स नहीं रखता, बाकी सब कुछ है मेरे पास। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई भी काम रुकता है? जितने भी लोग मुझे जानते हैं, कोई कह दे कि मैंने किसी का 1 रुपया भी देना है और मैं बोलूं कि मैंने लेना है, तो शायद मैं उंगलियों पर गिन दूंगा आज भी लाखों करोड़ों रुपए मैंने लेने होंगे पब्लिक से। और मैंने कभी आज तक किसी को फोन किया हो कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, आप मेरे पैसे दे दो, तो भी एक भी आदमी कह दे मुझे, कोई कहेगा ही नहीं। ये जर्नी इतनी स्मार्ट होगी, जब आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होंगे, ये जर्नी इतनी स्मार्ट होगी कि आप देना ही चाहेंगे। अब लोग कहते हैं कमल का फूल उल्टा, और इसका मतलब आपकी कुंडली जागरण नहीं है। मैं कहता हूं कमल का फूल उल्टा ही ठीक है, और तुम भौतिक वर्ल्ड में हो, तो कमल का फूल अगर उल्टा है तो वो तुम्हें यही इशारा दे रहा है कि तुम मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो, उतना दूंगा उतना दूंगा, उल्टे से ही तो देगा, सीधे में तो समेट लेगा वो आपको ही। कमल का फूल जिस दिन सीधा होगा उस दिन तो वो आपको पूरा का पूरा समेट लेगा, उस दिन तो काया भी नहीं बचेगी आपके पास और माया भी नहीं बचेगी। और जब वो उल्टा है तभी तो वो तुम्हें कुछ दे पा रहा है। और उल्टा किसके ऊपर है? मूलाधार के ऊपर उल्टा है, आज्ञा चक्र के ऊपर उल्टा है, आपके स्वाधिष्ठान के ऊपर उल्टा है, सबके ऊपर उल्टा है। तो मैं इस बात को कैसे मान के बैठ जाऊं अपने जीवन के अंदर कि मेरी कुंडलनी शक्ति जागरण नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता? मैंने कहा आपको इलिजिबिलिटी शो करनी है, इलिजिबिलिटी एज ए हीलर शो करनी है, एनर्जी अपने आप आएगी आपके पास। अगर मैं ऐसे हाथ करके बैठा हूं तो कौन सी ऊर्जाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं? ऐसे हाथ करके बैठा हूं, मेरे मेंटल ओरा, मेरा फिजिकल ओरा, दोनों की बात करते। मेरे मेंटल ओरा में क्या है? लोगों का धन्यवाद। मेरे फिजिकल ओरा में क्या है? लोगों के आशीर्वाद। ठीक है, अब मेरा ओरा छोटा हो सकता है क्या? मैं आपसे एक बात करूं, आपका ओरा छोटा हो जाएगा जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होगा, तो आपका ओरा कभी छोटा हो ही नहीं सकता। उस केस के अंदर आपके पास कभी घट जाएगा क्या? आपके पास कभी घट ही नहीं सकता, कभी नहीं घट सकता, मतलब पैसा कभी घट ही नहीं सकता, कभी नहीं घट सकता। आप किसी दूसरे शहर में जाओगे, उतरोगे, तो सबसे पहले आप चाय पानी नाश्ता ढूंढोगे, यही करते हो ना हम जाते हैं जब कहीं पे, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके लिए हाजिर होगा, सब कुछ आपके लिए हाजिर होगा, बस आपको मुट्ठी ऐसे रखनी है, अपने हाथ को ऐसे रखना है। वो आपको इशारा दे रही है सृष्टि, सृष्टि ने मुझे इशारा दिया कि कमल का फूल उल्टा है, उमा शंकर जी उठ जाइए, अमरता का ज्ञान चल रहा है। ओके, तो सृष्टि मुझे इशारा दे रही है कि उल्टा है कमल का फूल, और मैं अपने आप को बेकार मान के बैठ गया कि भैया ये कमल का फूल उल्टा है ना, तो मतलब मेरी शक्तियां उल्टी हैं। कमल तो कमल है ना, और आप खुद ही कह रहे हो कि कमल का फूल है, राइट? आपने भी नहीं कहा कि कमल का फूल नहीं है उल्टा है तो, और वो कमल तभी है, कमल का फूल है तो मतलब वो जिंदा है, और वो जिंदा है तो वो एनर्जी है, और वो एनर्जी है तो उस एनर्जी का बिहेवियर है, और वो अमृत, वो सीधा होके आपको कैसे अमृत दे देगा? कमल का फूल, मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, सीधा होके तो काया ही नहीं जाएगा आपकी। कमल के फूल को आप सीधा देखोगे तो वो समेटेगा या देगा, आप बताइए?
और अगर वो उल्टा है और ब्रह्मरंध्र उसका स्थान है, आज्ञा चक्र को डायरेक्ट सोर्स दिया ईश्वर ने कि आज्ञा चक्र से आप ऐसे एनर्जी ले सकते हो डायरेक्ट, और ब्रह्मरंध्र यहाँ पे दिया, तो दोनों सोर्स हमारे ये है, तो वो मुझसे ले तो कुछ सकता ही नहीं, वो मुझे दे सकता है और मुझे उससे लेना आना चाहिए। अगर मैं दरवाजा खड़का के भाग रहा हूँ आपका, तो आप घंटी बजा बजा के भाग रहा हूँ, दरवाजे पे आके देखोगे तो सही कौन आया, बेशक ही गुस्सा करो, दरवाजे पे आके देखोगे तो सही कोई घंटी बजा के और भाग गया, ऐसा ही होता है ना। तो अगर मेरे आज्ञा चक्र तक कुंडली उठ रही है ओम के मंत्रा से, सात बीज मंत्रों से मैं अपनी शक्ति को उठा रहा हूँ, और आज्ञा चक्र के बाद में उस मंत्र पे भी वाइब्रेशन कर रहा हूँ जो सर्वश्रेष्ठ है, तो दरवाजा तो खड़क रहा है ना, कमल का फूल तो हिल रहा है ना कुछ तो टपकेगा ना, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं टपकेगा। और ये मेरी भाषा नहीं है, ये अध्यात्म की भाषा है कि फूल ऐसे है, तो आप कुछ मत करो, एक एक्सपेरिमेंट करो, फूल उल्टा कर दो, उसको ऐसे से हिला के देखो, कुछ तो गिरेगा ही नीचे, तो वो तो कुछ ना कुछ तो टपकेगा। और वो क्या टपकेगा, भौतिकता से जुड़े हुए हैं क्योंकि कुंडलनी शक्ति सुप्त चेतना में है, राइट, और भौतिकता से हट जाएंगे अगर आपका ग्राउंड चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो भैया मैं भौतिकता से जुड़ा हुआ हूं और मैं भौतिकता के अंदर कोई मेरे ऊपर लुटाने के लिए तैयार बैठा है, क्या लुटा रहा है, सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व अगर उस कमल के अंदर है जिसको आप कुंडलनी शक्ति कहते हो, तो वो आपके कंट्रोल में है। और जब आप और वो उल्टा क्यों है, इस विज्ञान को समझना बहुत जरूरत है। मैं एक बार एक बहुत ही पहुंची हुई सोल के साथ बैठा था, व्यक्ति थे, तो उनके साथ मेरी इस बात पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने बोला जी देखो ये उल्टा ही सही है, ये सीधा होना नहीं चाहिए कभी। तो बोले जी सीधे का मतलब, मैं कि सीधे का मतलब हम कौन आप कौन, खत्म ही हो जाएगा मामला, और उल्टे का मतलब, उल्टे के विज्ञान को अगर आप समझोगे ना, तो आप ये समझिएगा कि सृष्टि है आज्ञा चक्र के साथ जन्मों जन्म की यात्रा, और आपको इसके साथ अपने आप को साधना पड़ेगा, मतलब गॉड गिफ्टेड मिलेगा, तो शायद ईश्वर को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। लाइक मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ ब्रह्मांड में, और मुझे ईश्वर को प्रूफ करना है कि हाँ मैं क्राउन चक्रा को संभाल सकता हूँ, और वो प्रूफ करने में तो सर मेरे हिसाब से कितने करोड़ जन्म लग जाएंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये उल्टा इसीलिए है सर कि भैया तुम दरवाजा खड़काते रहना और तुम बांटते रहना बांटते रहना बांटते रहना, और तुम्हारा सिस्टम ही ऐसा बन जाएगा कि तुम्हें एक लेवल पे आके प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक कमल के फूल की संरचना को नहीं समझेंगे कि कमल का फूल अगर उल्टा ही है भाई साहब, तो वो वजन में है, और जब तक आप उसको झाड़ोगे नहीं वो हल्का भी नहीं होगा, ठीक है जी। कोई तो ऐसा मोमेंट आएगा, कोई तो ऐसा मोमेंट आएगा जब मैं इतना बांट दूंगा इतना बांट दूंगा इतना बांट दूंगा, और किसी दिन दरवाजा खड़काऊंगा और दरवाजा खुद ही खुल जाएगा। आप भी दरवाजा खोल के रखोगे ना कि बार आने दे भैया दरवाजे में, फिर देखते हैं कौन है, बार बार बेल बजा रहा है और भाग रहा है, बार बार बेल बजा रहा है और भाग रहा है। ये इस उल्टे होने के पीछे जो बड़ा विज्ञान है कि आपको सिखाता है कि भैया बांटो, तुम्हारी एलिजिबिलिटी जो तुम्हें सिद्ध करनी है उसका जो पूरा का पूरा सोर्स है वो उल्टे में ही है, वो सीधे होके सोर्स नहीं है। एंड वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट कि कोई गुरु मिले मेरी कुंडलनी शक्ति को उठा दे और वो चक्र सीधा हो जाए। भैया आप रहोगे क्या, आप रहोगे ही नहीं। मैंने कसार देवी में एक सेशन किया, सब कहने लगे जी कुंडलिनी शक्ति का सेशन करना है, अपना तो सीधा एक ही जवाब था, थर्ड आई तक की बात करेंगे जी, कुंडली चक्र की बात नहीं करेंगे, फार्म भी साइन करके दे दोगे ना कि घर जिंदा नहीं जाना, तो भी मैं तुम्हारे साथ पंगा नहीं ले रहा मेरे भाई, आप रहोगे ही नहीं। वो भौतिकता से ऊपर उठाता है। अब दुनिया के प्रचंड गुरुओं की इसके ऊपर एक व्याख्या है जिनको मैं रिस्पेक्ट देता हूं, जो मैं कहता हूं कि ठीक है इनकी नॉलेज ठीक है, तत्व विचार है जिसका, विचार तत्व है, इनकी नॉलेज ठीक है, तो वो सबके सब इसी बात पे एग्री करते हैं कि नहीं क्राउन चक्र मत एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी, आप किसी काम के तो बचोगे ही नहीं, मतलब यहाँ पे भौतिकता से आप आउट ही हो जाओगे। तो और लोग किस लिए एक्टिवेट करते हैं, भौतिकता के लिए, कि मेरे अंदर शक्तियां आएंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उड़ने की शक्ति कहाँ पे है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आज्ञा चक्र पे भी जाने की जरूरत नहीं है,
पंच तत्वों में कनेसिस करने की शक्ति कहाँ पे है? आपके आज्ञा चक्र के अंदर है। आपके पास क्या नाम है किसी भी बात को मैनिफेस्ट करने की शक्ति कहाँ है? आज्ञा चक्र में, मतलब आज्ञा चक्र में संपूर्ण हुआ। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा कि भैया यहाँ सब कुछ बराबर हो जाता है आके। तो उसके ऊपर की जर्नी के लिए तत्व ही विचार है। अब कितने विचार आपके पास है इकट्ठे कर लो आप। आपके विचार नहीं, आपकी बड़ी विचारधारा, आज जिनके आप नाम लेते हो गुरुओं के, वो सब जिंदा है ना? विचार शक्ति में जिंदा है, किसी और शक्ति में जिंदा है? सिर्फ विचार शक्ति में जिंदा है। तो तत्व विचार है और ये उल्टा है। तो हमें क्या करना है? हमें ये जो सात मंत्र मिलते हैं, सातों मंत्र का जाप करना है। सात मंत्र के जाप पे होता क्या है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है? धीरे धीरे आपकी जो सुप्त चेतनाएं हैं, सुप्त चेतनाएं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू करती हैं। और जब वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती हैं तो उसको बोलते हैं भेदन क्रिया। तो भेदन होता है हमारे चक्रास के बीच में। जब भेदन क्रिया शुरू होती है, 40 दिन 40 मिनट डेली आप करते हो, कोई परहेज नहीं है। शराब का परहेज है और कोई परहेज आपका इसका है नहीं है। तो जब आप इस भेदन क्रिया को करते हो तो 40 दिन में तो सिस्टम सेट हो जाता है। ठीक है जी, 40 दिन के अंदर तो आप बहुत जबरदस्त न्यूट्रल हो जाते हो और हीलर हो जाते हो। आपका स्वयं पे विश्वास जुड़ जाता है और आप भौतिकता को और आध्यात्मिकता को दो अलग अलग पहलुओं पे देखने के लायक हो जाते हो। तो क्राउन की जहां पे बात आती है, यही क्राउन है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ा क्राउन यही है हमारे लिए कि हम इसकी डेफिनेशन को समझें। और एक बात समझ में आती है कि अगर आपको मैंने एक अक्षर लिखा, मेरा नाम लिखा आकाश, तो आप कैसे पढ़ोगे कि ये आकाश है? आप शब्द के एट्रीब्यूट को पढ़ोगे, ये अ है, ये क है और ये श है, ऐसे पढ़ोगे ना? तो अगर मैंने आकाश नहीं लिखा और आकाश की पिक्चर बना दी, ठीक है, मतलब बादलों की पिक्चर बना दी या आकाश की पिक्चर बना दी, तो आप कहोगे ये आकाश है। और वहीं अगर मेरी पेंटिंग लग जाएगी और आप मेरे को जानते हो तो भी आप मेरे को कहोगे आकाश है। और अगर मेरी फोटो की जगह किसी और की फोटो लगा दूं और पूछूं कि ये कौन है, तो आप आकाश नहीं बोल पाओगे उस टाइम पे, राइट? क्योंकि आप उसके एट्रीब्यूट को नहीं समझते, आपने उसको पढ़ा नहीं, आपने उसको जाना नहीं, इसलिए आप उसके बारे में कुछ बता नहीं पाओगे। और यही चीज मैं कहता हूं कि भैया आपने ना क्राउन के एट्रीब्यूट को नहीं समझा। आपने नहीं समझा कि अगर वो कमल उल्टा है और हम जिंदा हैं और वो हमारे साथ बिहेव करता है और वो काया है, मतलब त्वचा है और विचार है जो सबसे ज्यादा है, ठीक है जी, तो उन दोनों में फर्क क्या है? अब ईश्वर क्या है? हायर कॉन्शियसनेस। विज्ञान से अगर आप पूछते हो तो विज्ञान क्या कहता है? देखिए, एक मैंने कहा एक मोड़ पे आके सब बराबर हो जाते हैं। विज्ञान भी एक मोड़ पे आके ये कहता है और अध्यात्म भी ये कहता है कि हायर कॉन्शियसनेस। विज्ञान को पूछो विज्ञान के ऊपर क्या है जी, तो विज्ञान कहेगा कॉन्शियसनेस। और अगर हम अध्यात्म में पूछते हैं अध्यात्म के ऊपर की परिभाषा क्या है जी, आप क्या कहोगे? कॉन्शियसनेस। एंड क्या है? कॉन्शियसनेस। और क्राउन चक्रा को क्या बोला जाता है? कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है बड़ी क्लियर सी मेरे को कि पहले मुझे इसके एट्रीब्यूट को समझना है। ये कॉन्शियसनेस कहना क्या चाह रही है, ये कॉन्शियसनेस मेरे साथ बिहेव क्या कर रही है और इस कॉन्शियसनेस का बेनिफिट क्या होगा। अब किसी को मान लो सफेद दाग हो जाते हैं शरीर के ऊपर, ठीक है जी, व्हाइट पैचेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, अब वो आदमी किसी केमिकल लोचे की वजह से हो गए, पेट में कुछ खाने पीने की वजह से हो गए, सब सिर्फ क्राउन चक्रा हीलिंग से ठीक कर सकते हैं आप उसको, वहीं रोक दोगे उसकी प्रॉब्लम को सिर्फ क्राउन चक्रा से। काया के ऊपर इसका पूरा कंट्रोल है, मतलब बॉडी जितनी बाहरी लेयर है ना आपके शरीर की, उसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल है। अब आप समझो कि काया ही क्यों इसके साथ है, हेड के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे तो ग्लैंड भी आते हैं इसके पास, आपका ब्रह्मरंध्र भी आता है, बाल भी आते हैं, लेकिन काया क्यों? काया इसलिए समझिएगा, जब मैंने आपको क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि सर जी एक मेंटल ओरा होता है और एक फिजिकल ओरा होता है, और मेंटल ओरा जो होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है फिजिकल ओरा से, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल ओरा होता है
वो फिर भी ऑटोमेटिक ड्राइव होता है, लेकिन जो मेंटल होता और होता है उसको हमें ड्राइव करना होता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ऊर्जा ज्यादा कैसे होती है, क्राउन के कारण। और क्राउन कहाँ है, काया के अंदर है। कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसके चेहरे पे तेज क्यों आता है, क्राउन के कारण, क्योंकि क्राउन काया है। और क्राउन ही है वो चक्र जहां जिसके द्वारा क्राउन विचार के साथ जुड़ा है और विचार काया के साथ जुड़ा है, और ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। आप जल्दी बूढ़े हो गए या लेट बूढ़े हो गए, ये भी आपके क्राउन के साथ ही संबंधित है। आपके बाल उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, ये भी क्राउन के साथ संबंधित है। आपकी त्वचा कैसी रहेगी, सारा का सारा जो बाहरी लेयर है हमारा क्राउन चक्र के साथ संबंधित है। अब ये तत्व, इसका तत्व और इसका जो हमारे शरीर के साथ खेल है, इन दोनों के एट्रीब्यूट को अगर आप समझते हो ना, तो समझिए समझ में क्राउन लास्ट में की बात कह सकता है कि दुनिया की सबसे जो असीम ऊर्जा है वो है आपकी विचार शक्ति। ठीक है जी। थर्ड आई पे विजय पाने के लिए थर्ड आई को एक्टिवेट करके आप क्या करोगे, वो भी क्या कहता है, विचार। ठीक है जी। थर्ड आई के पास ही इतनी पावर है कि टेलीपोर्टेशन जैसी घटना या डिफरेंट डायमेंशन का एक्सेस थर्ड आई के द्वारा लोग ले लेते हैं, और लोगों ने ये प्रूव भी किया है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ कि थर्ड आई के पास ही इतनी पावर है तो क्राउन चक्रा के पास कितनी होगी, वो बचेगा ही क्या हमारे पास, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो जब आप हीलर की जर्नी में होंगे तो बहुत सारे लोग आपको लामा फेरा करवाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, लामा फेरा करवाएंगे और लामा फेरा में आपको क्राउन चक्रा की गारंटी करेंगे। मैं कहता हूँ किसी एक का भी हो जाएगा तो मान जाऊंगा, किसी एक का भी हो जाए तो। बुद्ध ने भी नहीं स्वीकारा, ओशो ने भी नहीं स्वीकारा कभी भी क्राउन चक्र को, किसी ने नहीं स्वीकारा। सबने अलग अलग एनर्जी के यूज बताए और कहा किसके द्वारा तुम इसके वाइब्रेशन को लो। ठीक है जी। और सभी अदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि 1,000 1,500 रुपये, 2,000 5,000 रुपये देके जब लामा फेरा करने जाओ तो पूछना जी क्राउन चक्रा का डिस्काउंट दे दो, वो तो हमें पता नहीं होगा, बाकी के पैसे ले लो अपने जो बनते हैं। ठीक है जी। क्योंकि वो नहीं होगा, इस बात को लेके हमें अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना, बल्कि इस बात को लेके हमें मोटिवेटेड करना है कि नहीं, इसका एक एट्रीब्यूट है, 1,000 पंखुड़ियां हैं इसके पास, 1,000 पंखुड़ियों का मतलब मुझे ताकत लगानी पड़ेगी इसको हिलाने के लिए। ठीक है जी। और अगर मुझे ताकत लगानी पड़ेगी तो गिरेगा बरसेगा भी ज्यादा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, कुबेर साधना क्या है, आप लोगों को कुबेर साधना पता है क्या होती है, 10 महाविद्या, कुबेर साधना, पक्षी पंचतंत्र साधना, जितनी भी साधनाएं होती हैं, ये क्या सारी की सारी तंत्र मंत्र के द्वारा होती है? नहीं, ये सारी की सारी साधना में क्राउन को शेक करते हैं कि क्राउन को शेक करना है, क्राउन को शेक करना है। जैसे ही क्राउन शेक होगा वैसे ही हमारे पास धन की वर्षा होगी, वैसे ही हमारे पास तंत्र शक्तियां आएंगी, वैसे ही आपके पास मतलब मेरे भीतर ये जागेगा वो जागेगा। कोई पूछता है कि ये सब सच है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ट्रुथ है, ये सत्य है कि आप क्राउन को शेक करोगे तो यू विल गेट। और अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जिस कुंडलिनी शक्ति की स्पीड आप बोल रहे हो लाइट से भी बहुत तेज है, और वो आपके मूलाधार चक्र में है, मतलब रीढ़ के लोअर हिस्से पे, सकते आप रोक लोगे क्या उसको, अगर वो सांप खुलेगा तो आप उसको रोक लोगे क्या, कितने एक सेकंड के भी 10 लाख में हिस्से में उड़ जाएगी वो, आप कौन सी शक्ति लगा लोगे। और आपके बाल से भी मतलब 10 लाख टुकड़े अगर आपके बाल के कर दिए जाएं, इतनी छोटी चीज है वो आपकी बॉडी के अंदर, आप रोक पाओगे क्या उसको, संभाल भी पाओगे। यही फिर बाद में यही कहेंगे कि या तो हार्ट फेल हो गया या साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, अभी तो सही सलामत बैठे थे। लेकिन बीज मंत्र क्यों बनाए गए, बीज मंत्र की परिभाषा को समझो, हमारे शरीर में है नसें, हमारे शरीर में है ब्लड, हमारे शरीर के अंदर है सेल्स, हमारे शरीर के अंदर है न्यूरॉन्स, हमारे शरीर के अंदर है ग्लैंड्स। ये सब एक ऐसा जाल होता है, जब आप किसी मंत्र को वाइब्रेशन करते हो तो बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट होती है हमारी शक्ति, मूलाधार चक्र की शक्ति ऊपर उठती है। ठीक है जी। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुरम, मणिपुरम से हार्ट चक्रा, हमें वाइब्रेशन फील होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, वाइब्रेशन कुंडलिनी शक्ति के नहीं होते। प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, कुंडलिनी शक्ति के वाइब्रेशन नहीं होते, वो तो हमारे ब्रेन को एक इमेजिनेशन बता दी जाती है कि जी सांप है कुंडलिनी शक्ति के नीचे, तो हम कहते हैं जी कुछ ऐसे चल रहा है।
वाइब्रेशन होते हैं दो पावर्स के, एक जो मेरी ऊर्जा, मेरी पॉजिटिव ऊर्जा, दूसरा जब ये सारे के सारे ग्लैंड्स वाइब्रेशन होते हैं तो इनके भीतर एक साउंड भी क्रिएट होता है, एक एनर्जी भी क्रिएट होती है, उससे वो एनर्जी धीरे धीरे ऊपर चलनी शुरू होती है और सभी चक्रास को वाइब्रेट करती है। ठीक है जी, मतलब मेरे पास एक बैकअप पॉइंट है अपनी बॉडी के अंदर ही, मेरा वो बैकअप पॉइंट में उसी मोमेंट पे चालू कर दूंगा। अब मैं यूनिवर्सल ओरे से हट के अपने भीतर से उस ओरे को चार्ज करने का काम कर रहा हूँ, किसी भी बीज मंत्र का जब मैं जाप कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं बीज मंत्रों का जाप करूंगा, वैसे वैसे मैं क्या पाऊंगा अपने जीवन के अंदर कि मेरी ये सारे के सारे चक्र हैं जो ऊर्जावान हो रहे हैं। और वाइब्रेशन किस चीज का होगा मेरी बॉडी के अंदर, ये ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी ऊर्जा का सोर्स ये है, ये दैट इज कॉल्ड थर्ड आई। ठीक है, थर्ड आई से मैं ऊर्जा को ले रहा हूँ। ठीक है, थर्ड आई भेदन करता है चीजों का नीचे की तरफ, ऊर्जा का भेदन नीचे की तरफ। गिलास में पानी डालोगे तो नीचे की तरफ, लेकिन गिलास को, मोबाइल को वाइब्रेट मोड पे रखिए और गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी रखिए, आधे गिलास पानी रखिए, उस वाइब्रेट होते मोबाइल के ऊपर आधा गिलास पानी रख दीजिए, पानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। राइट, जब पानी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है तो मतलब क्या है कि अगर नीचे वाइब्रेशन है तो पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, लेकिन अगर नीचे वाइब्रेशन नहीं है तो आप सीधा पानी डालिए। सीधा सिंपल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, आप समझिएगा उसको। ठीक अब मैंने पानी डाला तो ये पानी आया गिलास के अंदर। ठीक है जी, पानी यहाँ पे आया गिलास के अंदर, लेकिन अगर मैं इसको वाइब्रेट करूंगा, नीचे वाइब्रेशन होगा इसके, इसको वाइब्रेट करने के लिए हम 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट ही दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारी बॉडी है। ठीक है, सभी ध्यान से देखिएगा, ये हमारी बॉडी है और ये है ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा जब मैंने ऊपर से डाली तो ये सारी की सारी ऊर्जा नीचे आ गई। राइट, ये ऊर्जा नीचे है और मूलाधार के अंदर हमारी ऊर्जा है। अब जब इस ऊर्जा पे कोई वाइब्रेशन होगा तो ये ऊर्जा नीचे से वाइब्रेट करेगी, और ये वाइब्रेट कहाँ क्रिएट करना है हमें, ये वाइब्रेशन क्रिएट करना है इस ऊर्जा के सराउंडिंग। क्या क्रिएट हो रहा है, साउंड। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे पकड़ते हैं हम। अब ये ऊर्जा शांत है, अब इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। ऊर्जा के अंदर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन। ठीक है जी, और अगर एक और प्रकार का वाइब्रेशन है जिसको आप बोलते हो अटूनमेंट, अटूनमेंट कैसे काम करेगी हमारे साथ, कुछ ऐसे, मतलब बाहर से मैंने किसी सिंबल की अटूनमेंट ली तो भी वाइब्रेशन को मैं महसूस करूंगा, और अगर मैं अंदर से वाइब्रेट करता हूँ अपनी एनर्जी को तो भी मैं एक वाइब्रेशन को अपनी ऊर्जा के बीच में महसूस करूंगा। जब ये दोनों चीजें होंगी हमारे जीवन के अंदर, जिस मोमेंट के अंदर
ये दोनों चीजें हमारे जीवन के अंदर होगी। फर्क क्या पड़ रहा है कि जब वाइब्रेशन नीचे से आ रहा है तो मेरी एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, और जब वाइब्रेशन ऊपर से आ रहा है तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो ग्रेविटी ग्रेविटी का प्रोसेस है, ग्रेविटी के प्रोसेस के साथ पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब मैं कोई बीज मंत्र कर रहा हूं तो मैं नीचे से कर रहा हूं, मूलाधार से, ठीक है जी। और ऊपर से एक यूनिवर्सल एनर्जी मेरे पास आती ही है, जहां पे भी एनर्जियों का टकराव होगा वहां पे आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर सेंसेशन स्टार्ट होगी। जैसे ही आपको सेंसेशन स्टार्ट होती है आपको लगता है कि आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है वो ऊपर की ओर जा रही है, जबकि कुंडलिनी शक्ति पहले 13 से 14 दिन तक सिर्फ वाइब्रेट होती है। 13-14 दिन तक सिर्फ आप वाइब्रेट के प्रोसेस में रहेंगे, 13-14 दिन के बाद आपकी ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी। ऊर्जा मेरी ऊपर की ओर उठ रही है, मेरे को कैसे पता लगेगा? सिंपल है, आपके दर्द गायब होने लग जाएंगे शरीर के। मूलाधार कहाँ से है? लोअर बॉडी से है। 13-14 दिन आपने लगातार किया, आपका क्या होने लगा? दर्द गायब होने लगे शरीर के, आपके शरीर के दर्द गायब हो रहे हैं, आपका क्या नाम है, पेट ठीक होने लगेगा, आपके मणिपुरम चक्रा से रिलेटेड ऑर्गन ठीक बिहेव करने लगेंगे, आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड सारे ऑर्गन ठीक से काम करने लगेंगे, आपको अपनी बॉडी के अंदर ही बदलाव नजर आएंगे। और साथ ही साथ आध्यात्मिकता से क्राउन चक्र चेक कर आपको जोड़ता है, साथ ही साथ आप न्यूट्रलाइज भी हो रहे हो, क्योंकि रोल यहीं तक नहीं है कि ऊर्जा अप डाउन हो रही है या ऊर्जा में वाइब्रेशन हो रही है। रोल ये भी आएगा कि आप एक हीलर हो, आप ऊर्जा को रोज फ्रेश भी कर रहे हो अपनी, मतलब फ्रेश करने का मतलब रोज आप जब आप अटेनमेंट लेंगे उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेली आपको मदर अर्थ को ऊर्जा देनी है, तो हर रोज आप मदर अर्थ को ऊर्जा दे भी रहे हो, फ्रेश ऊर्जा भी आ रही है आपके पास, और आप उस ऊर्जा को वाइब्रेट करने में कामयाब भी हो रहे हो। और कोई आदमी अगर मान लो डेली ऊर्जा को बाहर नहीं निकालता अपनी और वो कहता है कि मैं ऊर्जा को वाइब्रेट करूं, तो मैं कहता हूं कि आपको समय ज्यादा लगेगा। और अगर आप अपनी डेली ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हो और फ्रेश ऊर्जा आपके पास आ रही है, तो लाइट ऊर्जा आपके पास है, लाइट ऊर्जा में चांसेस है कि आप ज्यादा जल्दी ग्रोथ करोगे। तो आध्यात्मिक लेवल पे ग्रोथ करने के लिए बीज मंत्र का यूज आपको यही काम आने वाला है, और क्राउन चक्रा के साथ मुझे क्या करना है, तालमेल सेट करना है, सिर्फ तालमेल शेक करना है, ठीक है। शेक करने मात्र से ही बहुत कुछ हो जाना है मेरे जीवन के अंदर, ना कि मुझे एज ए हीलर कभी लालच करना कि मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसा लालच हमें अपने दिमाग में नहीं रखना। सहसार की ऊर्जा अपार है, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर ही उतारना है, इसकी ऊर्जा के साथ बाहर नहीं हो जाना इसके फ्लो के साथ, ठीक है जी। अब आप समझो कि एक वेल मछली है, ठीक है जी। कोई आपको बोले कि वेल मछली को पूंछ से पकड़ के मेरे पास लेके आना है, और लेके आओगे तो जो कहोगे वो मिलेगा। अब वेल मछली की पूंछ को पकड़ोगे और वेल मछली आपको उछालोगे तो आप समुद्र में कितने किलोमीटर दूर जाके गिरोगे? तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तो जाके गिरेंगे ही, अगर उसने ठीक से उछाल दिया आपको तो, ठीक है। तो अब 1000 पंखड़ियों वाला कमल है, ठीक है जी, आप उसको धक्का मार रहे हो, आप कहाँ गिरोगे? आप उसको उठाने की बात कर रहे हो कि मैं उसको उठा के सीधा कर दूंगा उल्टा से ऐसे, तो आप खुद कहाँ गिरोगे जाके? भौतिकता से तो बहुत बाहर चले जाओगे, मतलब काया में भी रहोगे कि नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं है उस केस के अंदर। तो वैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक जो अच्छे गुरु हुए हैं उनकी दृष्टि से अगर आप देखो तो क्राउन के साथ प्ले नहीं करना, ठीक है जी। एंड पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचने में, और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी क्या नाम है, रेकी हीलर बनने में ही। तो जब हम बात कर रहे हैं सीधी क्राउन चक्र की, तो वहां पे आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी आपको अपने मन के अंदर एक ख्याल नहीं लेके आना कि भाई क्राउन चक्र एक्टिवेट करके मुझे बौद्धिक सिद्धि को हासिल करना है। सारी सिद्धियां और शक्तियों के जो अधिकार हैं हमारे प्लेनेट पे, जितने भी प्रकार की शक्तियां हैं, जितने प्रकार के अवतार हुए, जितने भी प्रकार के शस्त्र अस्त्र तप वरदान, उस सबका स्थान आज्ञा चक्र में ऑलरेडी दिया गया, सब कुछ आज्ञा चक्र से दिया गया, ठीक है जी। और डिस्ट्रॉयर भी जब दिखाया गया अध्यात्म के अकॉर्डिंग, तो डिस्ट्रॉयर भी आज्ञा चक्र से दिखाया गया, उसमें क्राउन चक्र का कोई रोल आया नहीं कहीं भी किसी भी केस के अंदर। तो आपको मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, चॉइस आपकी रहती है कि जीवन में कभी भी इस मिथ्या में मत फंसना कि कोई दूसरा आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट कर सकता,
क्राउन चक्र का मतलब है मुझे खुद को उस लेवल पे लेके जाना है, वो एलिजिबिलिटी सेट करनी है जहां पे कि मैं क्राउन मुझे गिफ्ट में मिले और ऑटोमेटिक मिले। और उससे पहले क्राउन मुझे बहुत कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, जिसके लिए मैं कितना तैयार हूं पहले मेरे को ये सोच लेना चाहिए। एक अच्छे हीलर, अच्छे गुरु जितने भी हुए, उन्होंने क्राउन चक्र के साथ टक्कर नहीं मारी। किसी ने भी क्राउन चक्र के साथ टक्कर नहीं मारी, सबने आज्ञा चक्र पे आके आज्ञा चक्र में महारत को हासिल किया और अपनी सिद्धियों को हासिल किया, और आज्ञा चक्र से ही बड़े बड़े बदलाव करती है। भौतिक में तो आज्ञा चक्र ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। हाँ, अब आपको भौतिक से बाहर ही जाना है, या आपको कोई और पंगा लेना ही है, या आपका ऐसा यकीन है कि कोई आदमी आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट कर सकता है, तो वो आपकी चॉइस है। मेरा काम है मतलब आपको क्लियर बताना, ठीक है जी। एंड क्राउन चक्र से रिलेटेड म्यूजिक जो भी आप सुनोगे, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए है वो होनी चाहिए 4.25, 4.25 MHz। इससे ऊपर अगर आप YouTube से भी सुन रहे हो तो आपकी जान को खतरा और आपके क्या नाम है पागल होने का खतरा भी बराबर का है। तो YouTube से लोग बहुत म्यूजिक सुनते हैं क्राउन चक्रा के, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, कोई भी म्यूजिक सुन लो कोई चक्कर नहीं, लेकिन क्राउन चक्रा के मामले में डोंट टेक रिस्क, ठीक है। क्राउन गॉड गिफ्ट है और क्राउन आपको देने वाला बनाता है। क्राउन आपको बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ दे रहा है भौतिक वर्ल्ड के अंदर। आप उसका जैसे चाहें वैसे अपने जीवन के अंदर यूज करें, और जितना चाहें उतना यूज करें, घंटी बजाते रहें और खजाना पाते रहें। मेरे को तो जो साइंस समझ में आई दैट इज दैट। और अगर आप बात करते हो क्या नाम है कि मैं लामा फेरा करके एक्टिवेट कर लूंगा, या मैं किसी कुंडलिनी महाशक्ति के कोर्स को करके एक्टिवेट कर लूंगा, तो मैं बता देता हूँ, ओशो ने कभी नहीं कहा। ओशो ने कहा कुंडलिनी शक्ति को उठाओ और अपने आप से जगाओ, ठीक है जी। और बुद्ध ने तो कभी कुंडलिनी के ऊपर बात ही नहीं करी, भगवान बुद्ध ने तो कभी कुंडलिनी पे बात ही नहीं करी। तो अलाइटमेंट वाले जितने भी पर्सन हुए हैं, जब आप उनकी भी बात करते हो, दे कैन नॉट से अबाउट क्राउन चक्रा। तो अब आप हीलर बने हैं, मान लो आप रेकी में जुड़े हैं इस क्लास के अंदर, और आपकी जर्नी हीलर की है, तो जितने भी नए लोग हैं उनको तो मैं बिल्कुल सावधान करना चाहूंगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा क्राउन चक्रा के मामले में, ठीक है। बाकी आप जो मर्जी करते रहिए, आप आजाद हैं। क्राउन चक्र के मामले में हमेशा आपको सावधानी बरतनी है। क्राउन इज ए गॉड गिफ्ट, ठीक है जी। और ये ही बहुत बड़ी बात है कि क्राउन हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे उल्टा। ये तो सब मानते हैं ना, सारे गुरु भी मानते हैं कि जो उल्टा है कमल का फूल उल्टा ही सेट है जी, सीधा होएगा तो उठा के ले जाएगा, क्या फायदा, तो उल्टा ही रहने दो। हम उसको शेक करके उससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं, शेक करके हम उससे बहुत कुछ मतलब अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। और आज्ञा चक्र तक, मैं ऐसा तो नहीं मैंने कहा मैं क्राउन तक जाऊंगा नहीं, मैं क्राउन का बीज मंत्र भी बोलूंगा, मैं क्राउन तक भी पहुंचूंगा, लेकिन मैं क्राउन के साथ जिद नहीं कर रहा, मैं क्राउन के साथ किसी प्रकार का पंगा नहीं ले रहा। मैं अपनी सुप्त चेतनाओं को जब जगा रहा हूँ, ऑटोमेटिक जागती हैं, जब आप हीलर बनते हैं तो आपकी सुप्त चेतनाएं ऑटोमेटिक जागती हैं। मैं अपनी सुप्त चेतनाओं को जब जगा रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई लालच भाव या कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने से रोके, तो मैं आराम आराम से अपनी जर्नी को चल सकता हूँ। तो 21 दिन आपने कहा कि आपको सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, मैं कहता हूं कि 40 दिन आपको बीज मंत्रा करना चाहिए डेली बेसिस पे 40 दिन। यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप महिलाएं कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्धियों पे सिर्फ आदमियों का अधिकार है, आदमियों से ज्यादा जो तांत्रिक है ना वो लेडीज हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ की लेडीज की बात नहीं कर रहा, तंत्र विद्याओं की बात कर रहा हूँ। कामाख्या देवी को सर्वोच्च स्थान मिला गया दिया गया है तंत्र विद्या के अंदर, कामाख्या देवी को। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े तांत्रिक होते हैं एंड ऑफ द डे उनकी तंत्र सिद्धि तभी मानी जाती है जब वो कामाख्या देवी की साधना करते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो तंत्र की देवी ही कामाख्या, मतलब औरतों से ही सारी विद्याएं स्टार्ट होती हैं, औरत ही जन्म देती है, औरत ही प्रोसेस की मालिक है कंप्लीट। तो जो पीरियड्स वीरियड्स वाली बात होती है वो यहाँ पे कहीं कंसीडर नहीं होती कि बीज मंत्र में अगर किसी फीमेल को पीरियड्स हो गए तो वो बीज मंत्र कर सकती है या नहीं कर सकती। बिल्कुल आप
40 दिन कंटिन्यू कोई भी व्यक्ति साधना को 24 आवर्स में 40 मिनट आपको करनी है, कभी भी कर सकते हैं आप, सुबह शाम दोपहर रात जब मर्जी आप इसको कर सकते हैं। और इसको करने का मतलब है नेचुरल वे में, मतलब बिल्कुल नेचुरल वे में अपने चक्रास को जागृत करना, नेचुरल वे में ऑर्गेनिक वे के अंदर बिना किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे कि जी वो व्यक्ति मेरी अटेनमेंट करेगा, वो मेरा शक्तिपात करेगा, वो व्यक्ति मेरा भला करेगा, वो मेरी हीलिंग करेगा, उन सबसे अच्छा तरीका है नेचुरल वे में 40 दिन आप चक्रा मेडिटेशन कीजिएगा। और चक्रा मेडिटेशन करके 40 दिन के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगी मेरी ऊर्जा क्या है, और 40 दिन के अंदर ही आप ऐसे हो जाते हैं। फिर रेकी देने के टाइम पे आपकी ऊर्जा अलग होगी और आपके बिहेवियर अलग होंगे। तो बी अवेयर, परसों ये 7 बीज मंत्रा मेडिटेशन करने वाले हैं, ठीक है। कल भी मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा। नियम नंबर 1, 10 बजे की क्लास है तो आप सब मैक्सिमम 8:30 बजे तक खाना खा लें, 1 से 1.25 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाने में। और इसमें क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले आप वॉशरूम ब्रेक जरूर लें। जो व्यक्ति जमीन पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं जमीन पे बैठ के मेडिटेशन करें, जो बेड पे बैठ के करना चाहते हैं वो बेड पे भी कर सकते हैं, भगवान सब जगह है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीवार का सहारा आपके साथ जरूर हो। किसी को तकलीफ है, तकलीफ का मतलब है हार्ट में स्टंट डले हुए हैं या 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं इससे पहले, वो व्यक्ति इस मेडिटेशन को ना करें, ठीक है जी। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बताता हूँ ये बात, रिस्क किसी प्रकार का नहीं। वो व्यक्ति इस मेडिटेशन को ना करें जिनके हार्ट में स्टंट है, या जो व्यक्ति को 2 हार्ट अटैक पहले आ चुके हैं वो व्यक्ति ना करें। जिनकी बैकबोन में प्रॉब्लम है, ठीक है जी, ज्यादा प्रॉब्लम है बैकबोन के अंदर, वो भी इस मेडिटेशन को ना करें। लाई डाउन पोजिशन के अंदर कर लीजिए आप, मतलब सीधा लेट के कर लीजिए, ठीक है जी। इसके अलावा सभी प्रकार के व्यक्ति इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। और बच्चों को भी, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मान लो 8 या 9 साल से कम उम्र के बच्चे को आपको ये मेडिटेशन नहीं करवाना है, अपने छोटे घर के छोटे बच्चों को ये मेडिटेशन आपको नहीं करवाना है, तो इसकी तैयारी गजब होनी चाहिए। मजा और ऊर्जा, मतलब इसका मजा और ऊर्जा आपको ऐसा गजब का आने वाला है कि आप ये कहोगे कि हीलर बनने का एहसास हो रहा है, कि अपने भीतर जब ऊर्जा को मैसेज करूंगा तभी तो बाहर बांटूंगा, तो आप ये कहोगे हीलर होने का एहसास हो रहा है। तो 40 से 45 मिनट का हम ये मेडिटेशन रहेगा, उसके बाद ये मैं आपको परमानेंट दे दूंगा। आप लोग अपने घर पे डेली बेसिस में मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा या अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लीजिएगा, और डेली बेसिस पे आप इसको 40 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा। कल का हमारा टॉपिक रहेगा पिंगड़ा ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है जी। नाड़ी विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तो कहानी कहाँ तक पहुंच गई है, लेवल 1 तक कहानी पहुंच गई है, ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं धीरे धीरे। अब एक मामला खराब आता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जान लिया था, चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जाना। तो अब कल जो रास्ता है वो बाहर आने का सिखाया जाएगा कि भैया आपको इन 3 नाड़ियों का विज्ञान है, जो आपको ये बताता है कि मूलाधार से आपके आज्ञा चक्र के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त बैलेंसिंग प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को आपको किस प्रकार से सेट रखना है। और ध्यान की अवस्था में ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं, मेडिटेशन की अवस्था में ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं, और जो मुद्राएं वगैरह भी आप फिंगरप्रिंट की क्लास के अंदर सीख रहे हैं उसके अंदर भी ये सब चीजें आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं, तीनों नाड़ियां। तो इन नाड़ियों का विज्ञान सीखने के बाद आपका चक्रा मेडिटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने चक्रास को बीज मंत्र के द्वारा उच्चारण भी सीख लिया बीज मंत्रास का, और एक प्रैक्टिस भी कर ली। तो उसके अगले दिन हम करने वाले हैं अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट का सेशन हम रखना चाहते हैं दोपहर को, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं अट्यूनमेंट का सेशन आप लोगों के साथ दोपहर को रखूं, या फिर हम 7 बजे वाली क्लास के अंदर अट्यूनमेंट का सेशन रख लें। 7 बजे वाली क्लास को हम एक दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। अट्यूनमेंट का सेशन हमारा चलेगा तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि मतलब अट्यूनमेंट इतना छोटा प्रोसेस है, अटूनमेंट बहुत सारे लोगों की पहली बार होगी अटूनमेंट क्लास के अंदर, और बहुत सारे लोग दूसरी या तीसरी बार ले लोगे। तो अटूनमेंट का सेशन आप मान के चलिए 2 से 2.5 घंटे का अपना सेशन रहने वाला है, और 2 से 2.5 घंटे ना हमें अपने आप को फ्री रखना है। आप 10 बजे भी कहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहते हैं कि संडे को कर दें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप चाहते हैं सैटरडे को कर दे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम पे आप लोगों को ये नहीं कहना कि जी टाइम नहीं है, मतलब टाइम ज्यादा लग गया, तो मैं आप लोगों को पहले से सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि उस सेशन में जब आपका मतलब वीकेंड से एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होना है हमारा, अटेनमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एक जर्नी से दूसरी जर्नी में। आज तक तो भौतिक वर्ल्ड के लिए बने थे, अपने परिवार के लिए बने थे और अपने सपनों के लिए बने थे, उस समाज के लिए बने थे जिस समाज में हम पैदा हुए हैं। जब मैं अटेनमेंट के प्रोसेस में आता हूँ तो मैं यूनिवर्सल होता हूँ, और यूनिवर्सल होने से पहले मतलब जैसे भगवान महावीर को इजाजत लेनी पड़ी थी ना, जी मुझे भौतिकता से मुक्त करो, मुझे समाज में मतलब मेरे को जागरण के लिए कुछ करना है, तो हमें भी जागरण के लिए कुछ करना है, तो हम इस प्रोसेस में हमें मतलब टाइम लगता ही लगता है। तो मेरे हिसाब से 10 बजे कहोगे तो 12:30, 7 बजे कहोगे तो 10 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे, और अगर आप कहते हो कि किसी और दिन करना है तो मैं वो तो खैर कह नहीं पाओगे आप लोग, मुझे पता है इस दिन का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे हो तो आप पोस्टपोन नहीं करना चाहोगे, तो 7 बजे या 10 बजे आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसी टाइम पे सेशन लूंगा। जिस दिन सेशन हमने करना है उस दिन वैसे कोई परहेज नहीं है, लेकिन फिर भी टाइट कपड़े नहीं डालने, खुले कपड़े डालने हैं, परसों की क्लास में भी और अटेनमेंट की क्लास के अंदर भी खुले कपड़े डालने हैं। बिल्कुल नियम है, जब भी हमने कहा मेडिटेशन या अटेनमेंट, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक चीजें चलेंगी, कोर्स फास्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा, तो खुले कपड़े डालने हैं, वॉशरूम ब्रेक लेना है पहले, और खाना 1 घंटा पहले खा लेना है ताकि आपको मेडिटेशन में किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, इन चीजों के आपको ध्यान रख के चलने हैं। और हम पहली अटेनमेंट का प्रोग्राम मेरे हिसाब से आज हो गया हमारा 21, 22 को एकड़ा, 23 को मेडिटेशन, 24 फ्राइडे को करने जा रहे हैं, ठीक है जी, पहली अटेनमेंट हम लोग, तो फ्राइडे कंफर्टेबल है तो आप लोग शाम को 7 बजे बी रेडी, ठीक है जी। और जो व्यक्ति क्लास में जिनका नंबर ना लगे उनको भी पहले बता देता हूँ कि 500 लोग अगर फुल हो गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 2 लैपटॉप से आऊंगा, एक पे मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा आप लोगों के साथ, और क्वेश्चन आंसर तो उस दिन होने ही है, तो मैं आपको पूरे फेस में यूट्यूब पे भी दिखाई दूंगा और यहाँ पे भी दिखाई दूंगा, ठीक है जी। और आप कहोगे तो फेसबुक पे भी लाइव आ जाएंगे, टेंशन लेने की मतलब बात ही नहीं है, चाहे 1,000 लोग हो 500 हो, अपन पूरे तरीके से क्लास को तरीके से करेंगे। तो करना क्या, सभी ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया, इसलिए आप लोगों को पहले ही करवा दिया है चैनल सब्सक्राइब, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर 500 फुल हो गए ना तो आकाश मॉडर्न मॉन्क लाइव लिखना है और हम वहां पे मिलने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप लोगों को प्रार्थना है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति, जो भी आदरणीय सदस्य है हमारे साथ जुड़ के मानव कल्याण, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं और चाहते हैं हर व्यक्ति तक अध्यात्म पहुंचे, वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सवाल जवाब है ही नहीं जी, तो धन्यवाद हो चुका, खत्म हो गया सेशन। ओके चेतना शाह जी, सर एक रिक्वेस्ट थी, क्वेश्चन नहीं है, आपने जो बताया इक्विपमेंट का क्लास, उसका टाइमिंग अगर 7 बजे का रहेगा या 10 बजे का रहेगा तो बेटर है, क्योंकि 3 बजे दोपहर में लोगे तो यहाँ पे होगी रात के 4 बजे होंगे, तो भैया मे लोग बी तो लेना है, नहीं, वो तो अगर आप 3 बजे का सबकी कन्वीनियंट के हिसाब से रखोगे तो मैं कर लूंगी, बट अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 7 बजे या 10 बजे हो सके तो, अगर सबको कन्वीनियंट है तो। तक किसी ने मतलब बोला नहीं है 3 बजे वाला, सब 7 बजे और 10 बजे ही बोल रहे हैं, तो वही टाइम होगा मेरे हिसाब से। 10 बजे वाला सबसे बढ़िया है, क्योंकि 7 बजे भी काफी फीमेल है, 60% क्लास में फीमेल है, और फीमेल्स के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, नहीं तो फिर सुनेंगे घर पे कि भैया कौन से बाबा की क्लास सुनने लग गए आप, कौन सा नया बाबा आ गया मार्केट में। तो 10 बजे मेरे हिसाब से सब फ्री हो सकते हैं, 9 बजे तक फ्री होने के बाद मतलब वो क्लास कर सकते हैं। ओके सर,